अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज भी एक और एहतजाज के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वह एहतजाज कुछ यूँ है, NICVT जिसको हम कहते हैं, हम नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत कहती है कि हमने सबसे अच्छा बेहतरीन कारनामा अगर कोई किया है तो वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, हमने NICVT को जो है वो दिखाना है सबसे पहले। लेकिन NICVT के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। और आज के रोज़ अगर बात की जाए, जिस नौइयत का, जिस शिद्दत का एहतजाज किया गया, तमाम मराहिल को कदरन लगा दी गई, तमाम मामलात बंद कर दिए गए। इवन अगर बात की जाए, एहतजाज जब किया जा रहा था NICVT के बाहर, तो वो सड़कें भी जो है वो ब्लॉक कर दी गई और ट्रैफिक बुरी तरह, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती दिखाई दी, तमाम चीज़ें थी। अभी खबरें मौसूल हो रही हैं कि शायद एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। सवाल बहुत सारे हैं कि क्या मुतालबात थे, मुतालबात मान लिए गए हैं, क्या तहफ़ुज़ात थे, किसने आकर जो है वो सुलह करवाई, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूँगा कि ये एहतजाज जो मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है या किया जा रहा था, क्या वजह क्या थी? जी बिलाल, ये दो रोज से एहतजाज जारी था NICVT के मुलाजमीन का, और उनका कहना ये था कि रिस्क अलाउंस जो है वो हमें 14 माह से नहीं दिए गए हैं, तो हमें फौरी तौर पे जो है वो रिस्क अलाउंस दिए जाएं। ये रिस्क अलाउंस आपके इल्म में होगा, जब कोरोना के केसेस हुए थे और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इन मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके लिए ये अलाउंस रखा गया था, रिस्क अलाउंस, कि ये ज़्यादातर अपनी जानों से खेलकर और ये मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, तो उनको एक रिस्क अलाउंस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था कोरोना की मद में। इन मुलाजमीन का कहना यह है कि 14 माह से हमें ये अलाउंस नहीं दिया गया, जबकि आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि यंग नर्सिंग एसोसिएशन ने भी इस पर एहतजाज किया और कोरोना के हवाले से उनका भी कहना यही था कि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए। उसमें बहुत सारे मुलाजमीन नर्सिंग स्टाफ के मौजूद थे जिन्होंने ये किया था एहतजाज। आज भी हमने ये देखा कि सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई, ना सिर्फ NICVT बल्कि जिना अस्पताल का रास्ता और NICH जो बच्चों का अस्पताल है, 4 बड़े अस्पताल उस सड़क पर मौजूद हैं। अगर हम देखें वहाँ पर एक किडनी का एक हॉस्पिटल भी मौजूद है, बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कराची का वहीं मौजूद है NICH, जिना अस्पताल जहाँ हादसा के सबसे ज्यादा वाकयात आते हैं वो मौजूद है, खुद NICVT मौजूद है। तो ये हेल्थ प्रोफेशनल को ये सूट नहीं करता, अगर हम इसको देखें कि इतनी उनको मालूम है कि इमरजेंसी किस तरह की होती है, किस तरह के एक्सीडेंट केसेस आते हैं, किस तरह कार्डिक पेशेंट आते हैं, और उनके पास कितना कम वक्त होता है कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो वो उनको रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह का मुजाहरा अगर अस्पताल की हदूद में करें या महकमे की सेहत के बाहर करें, सेक्रेट के बाहर करें, तो ये अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल को ये जेब नहीं देता कि 4 अस्पतालों का रास्ता ब्लॉक करके और वहां पर एहतजाज किया जाए। तो ये जो मुजाहरीन थे उनको कि 4 बड़े इमरजेंसी के अस्पतालों को रोक कर जो है वो रास्ता रोक कर और वहां पर एहतजाज किया गया। शाहीन, ये भी जानना चाहूंगा, जो मुजाहिरीन थे उनको मुश्तइल नहीं किया गया, रोका नहीं गया, सिक्योरिटी कहाँ थी, क्या मामला थे, इंतजामिया ने आकर बातचीत नहीं करने की कोशिश की? देखिए, सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है, सिक्योरिटी के एहलकारों ने बड़ी कोशिश की कि एम्बुलेंस को, फिर बाद में उन्होंने एम्बुलेंस को सिर्फ रास्ता दिया। सिक्योरिटी की कोशिशों की से ही मतलब ये उनको ये समझाया गया कि कम अज कम एम्बुलेंस को तो रास्ता दिया जाए, तो एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो मरीज थे वो उन्होंने सर्वाइव किया। 4 अस्पतालों के मरीजों ने इस 2 रोज से जो है वो उनको शदीद दुश्वारी का सामना था। जिना अस्पताल प्रॉपर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकी क्योंकि एक बहुत बड़ा उनकी तादाद थी वर्कर्स की, और उन्होंने पूरा मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक किया हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, महकमा सेहत को इस पर भरपूर नोटिस लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा एक रास्ता था 4 अस्पतालों का जो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया था। फिर इंतजामिया हरकत में आई थी और तकरीबन 12:30 के दरमियान जो है वो डायरेक्टर जो इनके NICVT के हैं, उन्होंने आके खुद मुजाहिरीन से बात की कि इस तरह रास्ता ब्लॉक ना करें, ना सिर्फ NICVT का रास्ता ब्लॉक हो रहा है बल्कि
जो बाकी अस्पताल है उनका भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुतालबात मानते हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें अनाउंस नहीं दिए गए थे, कुछ हमारी चीजें थी जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक मंजूर नहीं की थी, तो अलाउंस भी उसमें शामिल थे, तो अभी तक वहां से जो है वो अलाउंस का सिलसिला नहीं बन सका था। लेकिन डायरेक्टर जो अच्छा, है हमारी सिर्फ सिर्फ अलाउंस का कहना चाहिए कि इस माह के जो अलाउंस है वो फौरी तौर पर जो है आज ही जारी कर दिया जाए। जो सिर्फ रिस्क अलाउंस है उसकी बात की जा रही है या मुख्तलिफ और भी मुतालबात हैं, क्योंकि तकरियां जो की जाएं वो मेरिट पे की जाएं, ये क्या मामला है? ये मुलाजमीन की जानिब से ये भी एहतजाज किया गया, कुछ बैनर्स भी उठाए हुए थे कि अगर उनका कहना ये था कि काफी मतलब तीन तीन दो दो साल हो चुके हैं, अभी तक उनका ग्रेड अपग्रेड नहीं किया गया, और उनका ये भी कहना था कि जो हमसे बाद में आए हुए मुलाजमीन हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया, उनका ग्रेड बढ़ चुका है लेकिन हमारा नहीं बढ़ा। ये लेकिन हमारी उनसे बात हुई थी इंतजामिया से, उनका कहना ये था कि हमने मुकम्मल तौर पर इसकी छानबीन भी की है और हम इसको देख रहे हैं, महकमा सेहत से सेक्रेटरी सेहत से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी कहना ये था कि इनके तमाम तर जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाएगा, बैठ कर बातचीत की जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ से हमारी बात हुई, उनका भी कहना यही था कि इस तरह क्योंकि ये नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मालूम है कि चार बड़े अस्पताल की इमरजेंसियां वहां मौजूद हैं, इस तरह सड़क को ब्लॉक करना, अस्पताल के अंदर आप एहतजाज कर लें, वो एक इमरजेंसी छोड़ के अगर आप अस्पताल के अंदर एहतजाज कर लें, इंतजामिया के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर लें तो ये अच्छा लगता है, लेकिन सड़क को ब्लॉक करना और चार बड़े अस्पतालों की इमरजेंसियों को रोक देना और मरीजों को, सबसे बड़ा जो हमने ये चीज देखी कि जो मरीज थे उन्होंने उनको बहुत शदीद दिक्कत का सामना था, क्योंकि आपको पता है कि जिला अस्पताल में बहुत बड़ी ओपीडी होती है, 7,000 डेली जो है वो वहां पर मरीज देखे जाते हैं, इसी तरह 6,500 की ओपीडी जो है वो एनआईसीबीडी में होती है, और बच्चों की ओपीडी का भी इतना ही रेशो है जो वहां पर एनआईसीएच में देखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभी अभी है, अभी क्या पोजीशन है, एहतजाज की खत्म कर दिया गया, एहतजाज मामला सेटल डाउन हो गए? अगर ब्लॉक करें तो ये बहुत बड़ा मरीजों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। ये शाहीन अभी मामला सेटल डाउन हो गए या एहतजाज अभी भी जारी है? नहीं, एहतजाज खत्म हो गया तकरीबन 12-12:30 बजे एहतजाज इन्होंने खत्म कर दिया था, क्योंकि डायरेक्टर एनआईसीबीटी खुद चलकर आ गए थे, उनके दरमियान उन्होंने उनसे बातचीत की, उनका यही कहना था कि हम तमाम मुतालबात मानने को हम तमाम मुतालबात इनके मानेंगे और मंजूर भी करेंगे, सेक्रेटरी हेल्थ से भी शायद मेरे ख्याल से इनकी जो इनके सदर हैं, इनकी इंतजामिया जो एसोसिएशन बनी हुई है उनकी कल सेक्रेटरी हेल्थ से भी वहाँ पर मीटिंग है, आज भी हुई है, तो उनका कहना यही था कि ये रद्द अमल समझ नहीं आया कि आपने चार अस्पतालों का रास्ता रोका, तो ये एक डायरेक्टर एनआईसीबीटी खुद चलकर आए, उनके दरमियान उन्होंने कहा कि हम मुतालबात तस्लीम करते हैं और फौरी तौर पे जो है इस माह का अलाउंस जो है इस अलाउंस वो फौरी तौर पर दे दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना ये था कि आइंदा कोरोना के पेशेंट क्योंकि बहुत ज्यादा आप कम तादाद में हैं, अगर अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से क्या मौकफ आया है? तो ठीक है, एनआईसीबीटी का मौकफ था, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से क्या मौकफ आया है? जी, सेक्रेटरी हेल्थ से हमारी सिलसिले में बात हुई थी, उनका कहना यही था कि मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे और ये वहां से भी जो है वो फौरी तौर पे जो है जारी किया जाएगा, बाकी जो उनके जो मुतालबात थे उस पर भी नजरसानी की जाएगी और एनआईसीबीटी की इंतजामिया है उनको भी वहां पर बुलाया गया है कल सेक्रेटरी में, और डॉक्टर अजरा पेठो ने भी मेरे ख्याल से उनके साथ कोई मीटिंग है इस सिलसिले में कि इनके मुलाजमीन के जो है वो तमाम मुतालबात मंजूर किए जाएं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहीन अपडेट करने के लिए। मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज जो इस तरह से जोर पकड़ता दिखाई दिया, जिस नौयत का एहतजाज था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है कि चार अस्पतालों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और फिर एहतजाज किया गया, मतलब अपने हुकूक के लिए इंसानी जानों का ज़िया अगर खुदा ना खास्ता होता तो ज़िम्मेदार कौन होता, आप या हुकूमत? और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर ये जिस तरह से कोविड पीरियड के अंदर काम करते दिखाई दिए मुलाजमीन, उसके बाद फिर जिस इदारे की बात हो रही है एनआईसीबीटी, जिसको सिंध हुकूमत एक ऐसा प्रोजेक्ट बताती है कि जिसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा फुलफिल कर रहा है तमाम रिजल्ट्स को और तमाम उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो 110% है, तो ऐसे इदारों के अंदर इस तरह के मामलात फिर आपकी कारकर्दगी पर सवाल निशान उठते दिखाई देते हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे कुछ और, इसके बाद स्टोरीज हैं वो भी शामिल करेंगे।